हेलो एवरीवन, आज हम टू डिटेल में न्यू कार के बारे में जो आरटीओ जो होता है स्टार्ट टू एंड की शोरूम से गाड़ी जब आती है और आरटीओ का रजिस्ट्रेशन तक कि कभी कभी लोगों का क्वेश्चन आता है, हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्यों न्यू कार में आरटीओ में रजिस्ट्रेशन इतना टाइम लग रहा है, क्यों 7 दिन चले जाते हैं। तो ये वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसा 7 डेज होता है, क्या छोटे छोटे प्रोसेस है। प्लीज ये पूरे वीडियो के साथ रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। न्यू कार आरटीओ में पहला प्रोसेस होता है सीआरटीएम, इसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, जैसा एग्जाम्पल देता हूँ, चेसिस प्रिंट, फॉर्म 21 और फॉर्म 22, एक्साइज ड्यूटी के सब डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेस के सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स डीलर प्रोवाइड करते हैं। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, 1 डे लगता है और इसकी वैलिडिटी 15 डेज तक होती है। बट यस, इसे 15 डेज के अंदर ही आपको ये पूरा न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वरना एक सर्टन पेनल चार्जेस है वो जो हमें एक लगता है। उसके बाद न्यू जो आरटीओ में चालू किया है वो है फास्ट टैग। Yes, हमने इसके बारे में एक नया वीडियो भी बनाया, आप इसको क्लिक करते हुए आपको पूरा डिटेल बताएंगे। फास्टैग के यूजफुलनेस क्या है, फास्टैग के बेस्ट चीज़ें क्या है, वो सब कुछ हमने क्लियर क्लियर इसमें बताया हुआ है। ये सब चीज़ होने के बाद, ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन जाने के बाद, एक प्रॉपर डेटा एंट्री होती है आरटीओ में। Yes, जिसमें आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक प्रॉपर आपका डेटाबेस बनता है आपका और आपकी गाड़ी का आरटीओ में। इसके बाद जो होता है ये होता है आपका कार वेरिफिकेशन, जहाँ पे डीलर आपकी गाड़ी को आरटीओ में लेके जाते हैं वेरीफाई करने के लिए, या फिर अक्सर ऑफिसर्स आते हैं कार को वेरीफाई करने के लिए, चेसिस प्रिंट को चेक करने के लिए कि वो बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये सब डेटा कलेक्ट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है आपका आरटीओ टैक्स पेमेंट, जो कि हम उसको बोलते हैं वन टाइम टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स बोलते हैं। यस, ये पूरा पेमेंट करने के बाद, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो नया चीज़ आया है वो है आपका ऑथोराइज नंबर प्लेट, HSRP। यस, इसी पे हमने एक नया वीडियो भी बनाया था HSRP पे, प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, उसमें हमने पूरा डिटेल्स में आपको बताया कि HSRP क्यों है, HSRP की क्या यूजफुलनेस है और HSRP कैसे गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट कर दिया। उसी तरह से ये पूरा आपको आरटीओ का प्रोसेस जो 7 दिन लगता है उसमें पूरा डीलरशिप का पूरा यूजफुलनेस भी पता चलता है। इसी तरह से 7 दिन बाद आपकी नई गाड़ी का कार रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जैसे आपने अपना कार रजिस्टर किया हुआ है उसी तरह से सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल पे आप रजिस्टर हो जाइए और ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पहुंचाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी ऑटोमोबाइल से लेके, फाइनेंस से लेके, आरटीओ से लेके कुछ भी आपको चाहिए रहेगा, प्लीज हमारे ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट से, लाइक से बहुत सारे मोटिवेशन पाते हैं। दिस इज सिल्वेस्टर रॉड्रिक्स फ्रॉम एस कार्स एक्सपर्ट।